सर आप एक कैसे यानी एक मजमून लिखेंगे और उसके बदले आपको 1450 रुपए मिल सकते हैं, वो भी आपके जैज कैश अकाउंट में। ये काम फाइबर पे नहीं है, अपवर्क पे नहीं है, फ्रीलांसर पे भी नहीं है। बेहतरीन नई वेबसाइट आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आप ये काम करेंगे। टोटल आपको चार बातें बताऊंगा, वेबसाइट कौन सी है, उसके ऊपर आपने ऐसे कैसे लिखना है यानी मजबूर आपने कैसे लिखना है, उसके बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है प्रॉपर सिखाऊंगा, और सबसे बड़ी बात जैज कैश के अंदर पेमेंट कैसे आपको मिलेगी उसका सारा क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया जाएगा। और हाँ, पेमेंट्स और रेट को कैलकुलेट करके सबसे पहले बताऊंगा, तो इस सब के लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आप YouTube पे ऑनलाइन अर्निंग का वो प्रोफेशनल चैनल देख रहे हैं जहाँ पे काम सिर्फ बताया नहीं बल्कि प्रॉपरली सिखाया जाता है। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर को करने में कोई प्रॉब्लम आए तो YouTube में कमेंट करने पे हम प्रॉपरली गाइड करने की कोशिश करते हैं। सर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। सर जब आप छोटे थे ना तो आप ऐसे लिखा करते थे, कभी कायदे आजम पे, कभी अल्लामा इकबाल पे, कभी पाकिस्तान पे, कभी मेरे घर पे, कभी स्कूल पे, मतलब इस तरह के छोटे छोटे ऐसे लिखे जाते थे और वो हम पेपर में दिखा के नंबर लेके खुश होते थे। आज वो तरीकेकार थोड़ा बदल चुका है, आप ऐसे लिखेंगे लोगों के लिए, आप किसी टॉपिक के ऊपर लिखेंगे और वो लिखना कैसे है बताना मेरा काम है, कंप्यूटराइज लिखा जाएगा और उसके बदले सर आपको नंबर नहीं पैसे मिलेंगे, रियल वाले पैसे, असल वाले पैसे। सारी डिटेल समझने से पहले दो चीज़ें अपने जहन में बिठा लें कि इंटरनेट के ऊपर आपको काम में स्टार्टिंग में दुश्वारी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए काम मुश्किल हो सकता है। आपको एक दफ़ा समझ आ जाए उसके बाद इंशाल्लाह आप चलते रहेंगे। दूसरी बात ये कि कोई वेबसाइट आपसे काम के दौरान पैसे मांगती है तो आपने वो पेमेंट नहीं करनी, उसमें आपके साथ कोई स्कैम खुदा ना खास्ता हो सकता है। सो लेट्स गो ऑन लैपटॉप स्क्रीन। आप सर गूगल ओपन कर लें मोबाइल में या लैपटॉप में और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रो राइटर्स टाइम, ये आपके सामने वेबसाइट आएगी, लोगो इसका देख लीजिए, इसको आप क्लिक करें। ओपन होते ही ये सामने आपके लिखा हुआ है जी इंग्लिश है, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल, फाइनेंस, लॉ, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, फिलोसफी, आईटी, वेब, फिजिक्स और आर्किटेक्ट। इन फील्ड्स के अंदर आप काम कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। अब अगर आप थोड़ा नीचे आए बॉटम पे तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, कीनिया और यूएस के अंदर काम कर रही है। अब इससे पहले कि मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर काम करना बताऊं, हम सबसे पहले इसकी प्राइसिंग पे जाते हैं और देखते हैं कि ये पैसे कितने दे रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है जी कैलकुलेट योर इनकम। आप अगर एक आर्टिकल 24 घंटे की डेडलाइन में करते हैं तो उसके कम से कम आपको $12 मिलते हैं। बाकी अमाउंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 48 आवर्स में, 3 दिन में, 5 और 7 और 14 दिन के अंदर आप आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। चूज आपने खुद करना है कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, किस लेवल का काम करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है जिस लेवल का आप काम करेंगे उसी तरह से आपको पैसे मिलेंगे। अब मैं यहाँ आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर आप $8 कमा लेते हैं, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ जी आप बड़े सुकून से काम करते हैं, 5, 7 या 14 दिन के अंदर आप काम करते हैं तो आपको $7.5 से $8 मिलते हैं। तो $8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 290 के साथ जो करंट रेट चल रहा है तो ये 2320 रुपए बनते हैं। लेकिन मैंने यहाँ थंबनेल में आपको बताया कि भाई आप $5 कमाएं और 290 से आप इसे मल्टीप्लाई करें 1450। अब ये मैंने पैसे काटे क्यों हैं, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन लेते हैं तो वेबसाइट अपना कुछ कमीशन भी लेती है और मुमकिन है जब आप पैसे अपने अकाउंट में मंगवाएंगे तो वहां से भी डिडक्शन होता है, तो इस मद में आपके कुछ पैसे कट सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे। यार आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसका ₹1000 भी आपको मिल जाए तो मुझे बताएं कि क्या वो कम है। अब आपने लिखना कैसे है, काम कैसे करना है पहले वो बताता हूँ, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर अकाउंट करने का तरीकेकार बताऊंगा। सर आप ओपन करेंगे चैट जीपीटी, ये आपको गूगल से मिलेगा। आपको अगर इसका नहीं पता तो आप यूट्यूब में वकास भट्टी चैट जीपीटी सर्च कर लीजिए, आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ जो कस्टमर आपको आर्टिकल देगा यानी जो एसए का टॉपिक देगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा राइट द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल,
आप एंटर करें जनाब और ये देखें कमाल, ये उसने लिखना शुरू कर दिया और ये धड़ाधड़ छापता जा रहा है और आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यूज नहीं करना, अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो उससे प्लेजरिज्म आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आपके काम की क्वालिटी डाउन होगी और मुमकिन है कि आपको वेबसाइट पैसे ना दे। करना क्या है उसके साथ वो भी अभी आपको बता के भेजता हूँ। ये ले जी आर्टिकल उसने कम्प्लीट लिख लिया, अब आप यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, ये सारा मोबाइल से भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, कॉपी कर लें या कंट्रोल सी कर लें। अब उसके बाद आप वापस गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पिन बॉट, ये वो वेबसाइट है जो आप के आर्टिकल को रीराइट करेगी, यानी उसका मफहूम वही रहेगा लेकिन उसकी वर्डिंग बदल जाएगी। पेस्ट टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे जनाब और उसके बाद यहाँ पे आप आर्टिकल को कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी किया आपने, ये पेस्ट हो गया। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आप इसका थंब इम्प्रेशन प्रेस करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आपको दे देगा। यहाँ पे बेसिक स्पिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग में लेता है और यहाँ इसने जनाब आपके लिए कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया। अब अगर आप पहले देखें तो 5,336 लफ्ज थे और अब इसने कितने लिख दिए 3,663। अब ये वाला आपके काम का है, आप इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लें या इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने जनाब कर लिया है कॉपी। अब मैंने वर्ड की एक फाइल ओपन की है और इसके अंदर अपना ये कॉपीड टेक्स्ट जो है इसको पेस्ट कर दिया। अगर आप इसका ओवरव्यू लें, आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये कंप्लीट आर्टिकल मेरे सामने आ चुका है जो बड़े अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह अगर को आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसमें ऊपर अभी आर्टिकल मिसिंग है, वही आर्टिकल जो मैंने चैट जीपीटी को दिया था, तो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं जनाब और उसके बाद जो है वो इसको इधर पेस्ट कर देता हूं। अब आप सारा काम देख रहे हैं कि बड़े सिंपल स्टेप के अंदर होता जा रहा है और आप इसको करते जा रहे हैं। हेडिंग्स को बोल्ड कर लें, खूबसूरत बना लें, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो जाहिर है कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। एक दफा रीड आउट कर लें तसल्ली के साथ, काम की ओरिजिनलिटी आपको समझ आ जाएगी कि ये काम किस तरह का है और क्वालिटी पे हमेशा कंप्रोमाइज ना कीजिएगा। अगर आप खुद से लिख पाए अपने हाथों के साथ तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा, आप खुद से कंटेंट जनरेट कर पाए, नहीं तो अल्टरनेट वे आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके कार से काम भी कर सकते हैं। ये लें जी, मैंने सबको बोल्ड कर दिया है और ये खूबसूरत हो गया है, इसकी प्रेजेंटेशन भी बन गई है। अब इससे अगला स्टेप है जी अकाउंट बनाने का। अब हम अकाउंट बनाना सीखते हैं और देन हम उससे अर्निंग कैसे लेनी है वो सारा तरीकेकार सीखेंगे। अब सर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास इधर ऊपर दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का एक रजिस्टर का। तो अभी आप कहां पे जाएंगे, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। इधर आपने डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है, इसका फॉर्म जो है वो आपने कैसे फिल करना है मैं आपको कंप्लीट इसमें डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं। आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आप जब चीजें स्किप कर देते हैं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। ये लें जी, मैं आपका टाइम सेव करते हुए इनको फिल कर दिया है। फर्स्ट नेम वकास, लास्ट नेम मैंने बटी पुट किया, उसके बाद मेल पाकिस्तान और सिटी आप अपना लगा लें, अपना ईमेल एड्रेस दें, उसको रीटाइप करें, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड आप लगाइएगा, पासवर्ड को आपने री एंटर करना है, मोबाइल फोन नंबर आप पुट करेंगे जी। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो इधर लिखा हुआ हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनी, तो मैंने तो काम किया है तो मैंने यस लिख दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं फाइवर के ऊपर भी काम किया है, मैंने अपवर्क के ऊपर भी काम किया है, ठीक है, और इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं लेकिन एनफ है, आपने नहीं किया तो नो के ऊपर कर लें। आर यू अवेलेबल 24/7, आप 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल हैं तो यस कर दें, नहीं है तो आप नो कर दें, तो मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूं इनके लिए। अब यहां नीचे आपको कह रहे हैं व्हाट सिटीजन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देता हूं। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज आपकी क्या है जी, आप बचपन से क्या बोलते आ रहे हैं, आपकी अबाई लैंग्वेज, वो आप यहां पे मेंशन करेंगे। मेरी उर्दू है तो मैंने मेंशन कर दिया। नीचे आपसे कहते हैं जी आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं, तो मैं जनाब इंग्लिश जानता हूं, उसके बाद मैं उर्दू को भी जानता हूं, उसके बाद मुझे पंजाबी भी अच्छी आती है, ठीक है, बाकी जो लैंग्वेजेस आपकी होंगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपसे कहता है जी आप नीचे जो लैंग्वेज लिखेंगे पेपर के ऊपर वो कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे जनाब, आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच या किसी अदर लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे जनाब इंग्लिश भी लिख देता हूँ, अदर लैंग्वेज के अंदर मैं यहाँ उर्दू मेंशन कर देता हूँ और साथ में हिंदी भी मेंशन कर देता हूँ। हिंदी आपने तब मेंशन करनी है जब आपकी होगी, तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब आपसे पूछ रहे हैं जी आपकी सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है जो वेरीफाइड हो, तो मेरी मास्टर डिग्री है, मैं अपनी मास्टर डिग्री पुट कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको देख लीजिएगा। अब नीचे आपसे कहते हैं जी आप किन फील्ड्स के अंदर काम करेंगे जनाब, तो आप भाई साहब जिस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हैं वो आप इसको मेंशन करेंगे, तो मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंगली फील्ड्स देख रहा हूँ जी, मैं फिजिक्स के अंदर काम कर सकता हूँ, एप्लीकेशन लेटर्स के अंदर काम कर सकता हूँ, उसके बाद नीचे क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मतलब आपको जो काम इसमें आते होंगे, जो लैंग्वेज जो फील्ड आपको आती होंगी
होगी, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन है, उसके बाद इंग्लिश 101 है, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर बेसिक लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब नीचे आपसे पूछ रहा है जी आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, एडमिशन पेपर्स में, आप यानी एडमिशन पेपर जो है उनको हल करके देंगे, एकेडमिक्स पेपर, तो मैं यहाँ पे एकेडमिक्स पेपर ले लेता हूँ। अब ये नीचे लैंग्वेजेस वगैरह पूछ रहा है, अब ये नीचे दो टैब आपको दे रहा है, ये नेसेसरी नहीं है, इन दोनों को आप छोड़ दें। अब नीचे आपसे अपने बारे में पूछ रहा है जी आपको आपके बारे में कैसे पता चला, तो मुझे जो है वो लेट्स सपोज मैंने मेंशन कर दिया जी फेसबुक से मुझे पता चला है जी, यहाँ पे आप ये कैप्चा इसका फिल करेंगे, अगर आपको ये समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये रिफ्रेश करने से उसने मुझे नया दे दिया। तो ये लिखा हुआ है जी 2111 और ये 9 और एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को खोल के ओपन करें, रीड आउट करें, समझ आए तो उसके बाद टिक करके आप इसको सबमिट कर दें। अब यहाँ पे मुझे इसने भेजा है जी ईमेल कन्फर्मेशन, आप ईमेल कन्फर्मेशन के लिए मुझे जाहिर है अपना ईमेल खोलना पड़ेगा, ये मैंने अपना ईमेल ओपन किया जनाब, और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं जी वेरिफिकेशन के लिए इनकी ईमेल आई हुई है, यहाँ पे आपको कहते हैं जी क्लिक हियर फॉर वेरिफिकेशन, तो यहाँ मैंने जनाब वेरिफिकेशन के लिए क्लिक कर दिया। अब इधर आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जी आपने अपना आईडी कार्ड उसको अपलोड करना है, और उसके बाद आपने अपनी डिग्रीज को अपलोड करना है, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ये फाइल्स के अंदर ले जाएगा, यहाँ से आप रेलिवेंट फाइल को चूज कर लें और यहाँ ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद नीचे डिग्री है, तो डिग्री के ऑप्शन के लिए भी सेम ऐसे ही है, आप डिग्री जो है इसको भी पुट ऑन कर सकते हैं, ये लें जी मैंने उसको भी चूज कर दिया, दोनों फाइल्स मेरी लग चुकी हैं। उसके बाद नीचे आपके सामने आ रहा है जी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, 15 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब बात सुन लें, यहाँ टेस्ट का नाम देख के आपने घबरा नहीं जाना, इसमें कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं होता जो आप कर ना पाए, ठीक है, आपने करना कैसे है मैं सारे का सारा आपको समझा के यहाँ पे भेजूंगा। आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास एमसीक्यू बेस के अंदर टेस्ट आता है, यानी इसको आपने क्या करना है जी यहाँ पे इसको लेट्स सपोज सिंपली आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके जनाब आप इसको जस्ट गूगल में पेस्ट कर लें, आपके सामने इसका रेलेवेंट आंसर जो है वो आ जाएगा। देख रहे हैं जी इस तरह से आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसमें बेहतरीन काम करना चाह रहे हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको रीड आउट करें, रीड आउट करने के बाद इस टेस्ट को सॉल्व करें। अब आपने इसको रीड आउट करने के बाद यहाँ पे दो फिलअप्स आ रहे हैं, इनको आपने ए बी सी डी ऑप्शंस के साथ आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी अब फ्लैट लाइन मींस, फ्लैट लाइन का क्या मतलब होता है, तो डेफिनेटली वो अनब्रोकन लाइन होती है। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आपने रीड आउट करके आंसर करते जाना। अगर ये सारा मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा तो ये 15 मिनट का टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अब इसके बाद आपके पास शॉर्ट एसे का टेस्ट होगा, वो आपने सेम उसी तरह से चैट जीपीटी से लिखवाना है, उसके बाद आप स्पिन बॉट की सर्विसेज लेंगे और उसको जो है वो सबमिट करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह आप दो स्टेप पास करेंगे और प्रोफेशनल एसे राइटिंग में आप चले जाएंगे और आप बकायदा तौर पे इस पे काम करना शुरू कर देंगे। आपको प्रोसीजर समझ आ गया। अब सर बात आ गई लास्ट वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि ये वेबसाइट आपको पैसे कैसे देगी। आपको मैंने थंबनेल में बताया था कि आपको ये जैज कैश के अंदर पेमेंट देगी। अब ये जैज कैश में पेमेंट कैसे देती है, अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जैज कैश में पैसे देती है, तो प्राइसिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं और आप अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इधर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जी, और यहाँ पे लिखा हुआ जी वी रिलीज पेमेंट्स वाया पेपाल एंड पियोनीर पेमेंट मेथड। अब जो पियोनीर है वो डायरेक्टली जैज कैश के साथ कनेक्ट होता है, जैज कैश के अंदर भी ऑप्शन आ रहा होता है पियोनीर का, आप उधर से इसके साथ कनेक्ट कर लें या पियोनीर के साथ आप जैज कैश को कनेक्ट कर लें और डायरेक्टली पैसे वहां पे ले लें। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि पियोनीर का अकाउंट कैसे बनाना है, तो पियोनीर विकास भट्टी आप लिखेंगे, आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उनको देखते हुए आप इसका अकाउंट भी बना पाएंगे। आई होप आपने सारा काम तसल्ली से सीख लिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।